नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों आज मैं अश्विनी कुमार के बारे में बताऊंगी और इनका वैदिक स्विच वर्ड के का जाप भी आपके साथ करूंगी। चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं की लिस्ट में अश्विनी कुमारों का भी नाम है। अश्विनी देव से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया है। ये मूल रूप से चिकित्सक ही हैं। ये कुल दो हैं, एक का नाम नासत्य है और दूसरे का दस्त्र है। महाभारत में दोस्तों कुंती ने जो माद्री को जो गुप्त मंत्र दिया था, माद्री ने अश्विनी कुमारों का ही आह्वान किया था। और पांच पांडवों में नकुल और सहदेव इन दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। ऋग्वेद में इन दोनों का संबंध रात्रि और दिवस की संधि काल से किया गया है। इनकी स्तुति ऋग्देव की अनेक ऋचाओं में की गई है। ये कुमारियों को पति देने वाले हैं, वृद्धों को तारुण्य, अंधों को नेत्र प्रदान करने वाले कहे गए हैं। दोस्तों वैदिक स्विच वर्ड अश्विना, चलिए आप और हम 108 बार ये मंत्र का जाप करते हैं। इनके मंत्र का जाप करके करने से सभी रोग और शोक दूर हो जाते हैं। श्वेना अश्विना 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 अश्विना। हे अश्विनी कुमार, मुझे स्वस्थ और सुडोल शरीर प्रदान करें, मेरे सभी रोगों को दूर करें। इस प्रकार अश्विनी कुमार की प्रार्थना करें। और दोस्तों जो भी बीमार व्यक्ति अगर हैं आपके घर, तो आप वैदिक स्विच वर्ड अश्विना का ये जाप उनके पास लगा दें सुबह और शाम। और साथ ही साथ एक प्लेन पेज पर ग्रीन पेन से वैदिक स्विच वर्ड अश्विना 108 बार लिख करके जो भी व्यक्ति बीमार हैं उनके सिरहाने के कवर के अंदर रख दें वो पेज। और डेली
वो पेज को बदलें 21 दिन इस तरीके से उनके सिरहाने के पास ये वीडियो लगा दें। अश्विनी कुमार जी की कृपा से वे अवश्य स्वस्थ होंगे। जय अश्विनी कुमार। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूँगी ताकि वे भी इस चीज़ का लाभ उठाएं। थैंक यू।